फिलहाल बाजार में दबाव है, सेंसेक्स निफ्टी में एक स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल 8,550 के नीचे फिसलैपटी, निफ्टी बैंक हरे निशान में जरूर दिख रहा है, लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी प्रेशर बना हुआ है। स्पेसिफिकली अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें तो ICICI बैंक यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, जो बड़ी डील अनाउंस हुई है एसआर ऑयल और साथ ही रोजनेफ के बीच, उसका एक सीधा फायदा होगा। इनफैक्ट एक्सिस बैंक में भी अच्छा पॉजिटिव रुझान ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल ICICI बैंक लगभग 16 रुपए की मजबूती के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर, आईसीएक्स बैंक अपने ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अच्छी मजबूती यहां पर भी देखने को मिल रही है। कुछ नतीजे भी आए हैं, अंचल मेरे सहयोगी मौजूद भी हैं बताने के लिए ऐसे ही कुछ नतीजे और साथ ही वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। अंचल बताइए। शुक्रिया पल्लवी, शुरुआत रिजल्ट से करते हैं। कई सारे नंबर्स पोस्ट हो रहे हैं, Q2 चल रहा है। सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करते हैं। अभी कंपनी के नंबर्स आए हैं, कंपनी की जो स्टैंड लोन मुनाफा है वो 601 करोड़ रहा है 457 करोड़ उसके मुकाबले, वहीं जो रेवेन्यूज रहे हैं वो 6,135 करोड़ रहे हैं 6,270 करोड़ से गिरकर। देखिए अनुमान था कि ऑलरेडी कंपनी के रेवेन्यूज गिरेंगे, लेकिन बॉटम लाइन स्ट्रांग रहेगी, मार्जिन इंप्रूव होंगे। मार्जिन्स के फ्रंट पे उतनी तेजी नहीं आती हुई दिखी है, लेकिन एक अच्छी चीज जो पल्लवी पूरे नतीजों में थी अल्ट्राटेक के केस में, वो थे इसकी रियलाइजेशंस और इसका वॉल्यूम्स। अनुमान था वॉल्यूम्स गिरने का करीब 2%, उसके विपरीत वॉल्यूम्स 1% बढ़े हैं। वहीं रियलाइजेशन की अगर आप बात करें, रियलाइजेशन महज 3% गिरे हैं, जबकि अनुमान था 4-5% तक गिर सकते हैं। मार्जिन्स के फ्रंट पे अगर आप बात करें तो कंपनी के बेटा मार्जिन्स 15.5% से बढ़कर 18.6% रहे। दूसरी ओर दीवान हाउसिंग फाइनेंस से भी अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं, कंपनी का मुनाफा 233 करोड़ रहा है 180 करोड़ से बढ़के। वहीं अगर आप NII की बात करें 536 करोड़ रही है 453 करोड़ से बढ़के। ग्रॉस NPA फ्रंट पे भी एक रिलीफ देखने को मिला है, 0.96% रहे हैं ग्रॉस NPAs 0.98% के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। NIMs स्लाइडली इंप्रूव हुए हैं, 3.05% रहे 2.91% के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो नेट नेट दीवान हाउसिंग फाइनेंस भी एक अच्छे नंबर्स पोस्ट किए। इसके अलावा DCB बैंक ने एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट किए, एसेट क्वालिटी में स्लाइट इंप्रूवमेंट है। वहीं NIIT टेक के नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया, कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग फ्रंट पे वीक रहे, और RA ड्रग्स शानदार नंबर्स पोस्ट किए। और अगर आप इन तीनों पांचों शेयरों को देखें, इनके स्टॉक्स पे रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है नतीजों का। दूसरी ओर बात करें फोर्टिस हेल्थ केयर की, ये आज सुबह से ही बजिंग है, सवेरे खबर आई। फोर्टिस हॉस्पिटल करके कंपनी है जिसमें 51% हिस्सा खरीदेगी। बेसिकली फोर्टिस हॉस्पिटल रेलिकेयर हेल्थ केयर की सब्सिडरी है, उसमें 970 करोड़ में 51% स्टेक खरीदेगी फोर्टिस हेल्थ केयर। इसके बाद से ही फोर्टिस हेल्थ केयर के शेयर में शानदार तेजी रही, अभी भी शेयर 5% ज़्यादा तेज है। वहीं बालाजी अमाइंस में तेजी है, 24 तारीख को बोर्ड बैठक है, बोर्ड बैठक में सब्सिडरीज का खुद में विलय को लेकर फैसला संभव है। उसके अलावा उजास एनर्जी कंपनी को नया ऑर्डर मिला है, उत्तराखंड में रूफटॉप सोलर PV पैनल लगाने के लिए ऑर्डर मिला है, उसके बाद से आज शेयर काफ़ी तेज देखने को मिल रहा है। रेमंड्स LIC ने कंपनी में हिस्सेदारी अपनी घटाई है, 0.2% घटाकर 5.53% की है। वहीं दूसरी ओर JP एसोसिएट्स, देखिए कंपनी के NCD पे आउट होना था पिछले 3 महीने पहले अगस्त में, वो पे आउट मिस किया, 3 महीने से अभी तक पे आउट नहीं कर पाई है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट JP एसोसिएट के शेयर पे साफ एविडेंट है। इसके अलावा रियल एस्टेट पैक एक ऐसा है जो आज काफ़ी प्रेशर में है, आप कोई भी शेयर देखिए, यूनिटेक, प्रेस्टीज, DLF, HDIL, NBCC सभी में बिकवाली है। दूसरी ओर ऑटो रिलेटेड सेक्टर काफ़ी प्रेशर में है। टायर शेयरों की सबसे पहले बात करेंगे, काफ़ी समय से बजिंग थे लेकिन आप फाइनली मुनाफा वसूली आती हुई दिखी, MRF, JK टायर, अपोलो टायर, C8 सभी में प्रॉफिट बुकिंग है। ऑटो शेयर्स भी प्रेशर में, आयशर मोटर्स, M&M, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति सब पे बिकवाली दिख रही है। और ऑटो एंड सिलरी स्टॉक्स मानसन सुमी, बॉश, क्यूमंस, भारत फो, JMT ऑटो सब पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया अंचल बताने के लिए तमाम स्टॉक्स जो आज फोकस में बने हुए हैं और जहां पर प्रेशर भी फिलहाल बिल्डअप हो रहा है। लेकिन अब बात करते हैं साइंट के नतीजों की, रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है और अगर साइंट की बात करें तो अनुमान से बेहतर नंबर्स इस क्वार्टर में कंपनी ने पेश किए हैं। शेयर में भी इस महीने करीब 8% का उछाल देखने को मिला है। दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 31% का उछाल आया है। अजय अग्रवाल CFO साइंट लिमिटेड हमारे साथ मौजूद हैं फोन पर बात करने के लिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जो प्रॉफिट में हमने एक सब्सटेंशियल ग्रोथ देखी 31% की, पैट के पीछे ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है उसके पीछे प्रमुख कारण क्या रहे हैं और साथ ही हाईलाइट्स क्या रहे हैं इस क्वार्टर की? थैंक यू पल्लवी, आपको और आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस क्वार्टर में आपने सही कहा, 31.5% पैट का मुनाफा बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हमारा टॉप लाइन में ग्रोथ है, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ है और कुछ आइटम्स जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में है उनमें भी हम लोग को
अच्छा मूवमेंट हुआ है. तो टॉप लाइन में रेवेन्यू इज कॉन्स्टेंट करेंसी अप बाय अबाउट 10% या डॉलर टर्म्स में 9.5-10% का ग्रोथ है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है. हमारे इस क्वार्टर में कुछ वेज हाइक का फाइनल ट्रांस दिया गया था, कुछ 25 ईयर सेलिब्रेशन का हिट था. इसके बावजूद तो हमारा यूटिलाइजेशन में इंप्रूवमेंट हुआ है करीब 4.5%. उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 100 बेसिस पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुआ है. तो इसकी वजह से और नेट प्रॉफिट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो हमारी पॉलिसी है उससे हमें अदर इनकम में बहुत फेवरेबल पोजिशन मिल रही है. तो इन तीनों चीजों को मिलाकर हमारा 31.5% नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई. इसके अलावा हाईलाइट क्या था, मैं यही कहना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि हमारे 8 बिजनेस यूनिट हैं, 8 बिजनेस यूनिट में हमारा ग्रोथ हुआ है. हमारे 3 ज्योग्राफिकल एरियाज में हम लोग मॉनिटर करते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक, तीनों में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है. वेरी वेल राउंडेड ग्रोथ, गुड इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिट, दैट्स व्हाट आई वुड से. सर इनफैक्ट अगर कमिंग क्वार्टर्स की बात करें तो फोकस एरियाज कौन से रहेंगे और ये जो क्वार्टर अभी बीता है क्वार्टर 2, यहाँ पर कौन से सेगमेंट्स में खासतौर पर ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं? पहले मैं क्वार्टर 2 की बात करूं. यदि आप जैसे मैंने कहा कि 8 हमारे बिजनेस यूनिट हैं, सभी में इस बार ग्रोथ हुआ तो बहुत ही वेल राउंडेड ग्रोथ था, मगर कुछ ने अबव एवरेज किया है. जिसमें कम्युनिकेशन वर्टिकल है हमारा, डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल है, यूटिलिटीज एंड जीआईएस वर्टिकल है, मेडिकल वर्टिकल है. ये 4 वर्टिकल में हमारा ज्यादा ग्रोथ रहा, मगर बाकी में भी सिंगल डिजिट ग्रोथ सब में रहा. आने वाले क्वार्टर्स में मैं कहूंगा कि वेल राउंडेड ग्रोथ ही आने की एक्सपेक्टेशन है. डीएलएम में फर्दर ग्रोथ होगा क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में. एरोस्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, सब हमारे इंजीनियरिंग के सेगमेंट आगे बढ़ेंगे. कम्युनिकेशन और यूटिलिटीज में बहुत अच्छी पाइपलाइन है, वहां भी बहुत अच्छा ग्रोथ होगा. तो आने वाले क्वार्टर्स में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा मोमेंटम बना रहेगा और जो हमारा आउटलुक था कि साल में हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ देंगे वो बिल्कुल इंट्रैक्ट है. ऑलराइट, यानी ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट से आपको अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है. शुक्रिया सर कीमती समय देने के लिए. साइंट एक बार स्टॉक को देखें तो आज भी लगभग 503 रुपए के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 8 महीने से भी शानदार इसने अपनी ग्रोथ दिखाई. इनफैक्ट फरवरी ऑनवर्ड्स एक अप ट्रेंड ही देखने को मिला और फिलहाल लगभग 0.5% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है. लेकिन एफएनओ में कहाँ एक्शन है, मेरे सहयोगी रजत मौजूद है बताने के लिए. रजत बताइए. जी बिल्कुल, आज बाजार पे दबाव साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है. 85-50 के नीचे पहुंचे, इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे कामकाज कर रहे हैं. लेकिन अब प्रॉब्लम एरिया ये है कि आज जो प्रीमियम्स एकदम से बढ़ गए, 8500 की पुट ले लें या फिर आज 8400 की पुट ले लें, 8300 की पुट, इसमें एक्यूमुलेशन साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है. अब बाजार ये समझ के चल रहा है कि 8500 की पुट पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इस सीरीज के लिए खड़ा है. लगभग 57-58 लाख शेयर सिस्टम में खड़े हैं, तो ये लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक बहुत बड़ी बिकवाली की उम्मीद इसमें बाजार के पास नहीं है. तो मोटा मोटा ये समझें कि 8480 से 8500 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है मार्केट्स के पास. ऑप्शन डेटा के हिसाब से ये लेवल बचा जाते हैं आज तो एक पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है. पुल बैक में भी कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी की उम्मीद है नहीं ट्रेडर्स को, क्योंकि 8600 की कॉल बहुत स्ट्रांगली राइट होती चली जा रही है. 16 लाख से ज़्यादा शेयर ओपन इंटरेस्ट में आज के सत्र में ही जुड़ते हुए नजर आए. तो अब 8500-8600 के रेंज के बीच में हो सकता है कि बाजार अब कुछ वक्त बिताना ज्यादा पसंद करे. लेकिन आज जो तेजी बनी है उसमें एक क्लियर कट विनर है एफएनओ में, वो है आईसीआईसीआई बैंक. जो आप डील बता रहे थे रोसनेफ्ट और एसआर की, उसका क्लियर कट बेनिफिशियरी 257.90 फ्यूचर के हिसाब से, यानी कि लगभग 29 लाख 30 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट से घटते हुए नजर आए. शॉर्ट स्क्वीजिंग देखने को मिली. पर टायर स्टॉक्स जो लगातार चढ़ते चले जा रहे थे सीरीज में, नहीं पिछले सीरीज के विनर थे, सीरीज की शुरुआत काफी बेहतर थी, लेकिन अब दबाव रिफ्लेक्ट हो रहा है. सीएट ले लें, ओपन इंटरेस्ट 17% बढ़ा. अपोलो टायर्स भी ओपन इंटरेस्ट 10-11% आज के सत्र में बढ़ता हुआ नजर आया. तो स्ट्रॉन्ग बिकवाली ओपन इंटरेस्ट में बढ़त के साथ. हेवल्स कल नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले टूटा, 3% की बिकवाली यहां देखने को मिल रही है. और M&M फाइनेंशियल एक और स्टॉक जहां पर 7 लाख से ज्यादा शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए नजर आए. IGL, डाबर, आज गिरने वाले स्टॉक्स की जो सूची है वो एफएनओ में ज्यादा है. जी, दबाव साफ तौर पर है बाजार पर और ऐसे कुछ स्टॉक्स रजत ने बताया. शुक्रिया रजत बताने के लिए तमाम अपडेट. लेकिन अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप की. फ्यूचर ग्रुप ने कोश ब्रांड के तहत नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है. कंपनी का कोश प्रोडक्ट 1 साल में 200 करोड़ के कारोबार का लक्ष्य कंपनी ने रखा है. कंपनी के ग्रुप सीईओ किशोर बियानी से एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरे सहयोगी अनुराग शाह ने. हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है किशोर बियानी जी. सर, ये जो आज आपने कोश को लॉन्च किया है सर, तो इसको थर्ड ग्रेन के तौर पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कितना बड़ा ये है फ्यूचर कंज्यूमर के लिए और किस तरह से आप इस पे आगे बढ़ेंगे? अरे, हमारे लिए बड़ा है क्योंकि हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया है इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ज्वाइंट वेंचर के साथ में 85 करोड़ लगे इस प्लांट को एस्टेब्लिश करने में. और इसकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, हम चाहते हैं कि बाई नेक्स्ट ईयर 200 करोड़ का बिजनेस हम लोग इसमें जुटा पाए. हम लोग ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है
और आगे जाके पोटेंशियल है, अगर ये थर्ड ग्रेन में थोड़ा बहुत भी हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो 1000 करोड़ का एक मार्केट एक सिंगल प्रोडक्शन बना सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी रहा है प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और इन्वेस्टमेंट काफ़ी जाएगा ब्रांड बिल्डिंग में। मैं समझता हूँ 55 से 60 करोड़ रुपया नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में इसके ब्रांड बिल्डिंग में खर्चे होंगे। और सर क्या इसके लिए आप और किसी के साथ करार भी कर रहे हैं कोश ब्रांड को लेके, और सर किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि आपकी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं एक फ्यूचर कंज्यूमर का एक सबसे बड़ा प्रोडक्ट या फिर एक बेंचमार्क प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं? आई थिंक ये प्रोडक्ट को हम लोग वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में ले जा रहे हैं, 20 शहरों में इसको लॉन्च कर रहे हैं, शुरुआत में 10 शहर में फिर 20 शहर में, मॉडर्न ट्रेड की सभी दुकानों में ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, हमारी सभी दुकानों में ये अवेलेबल होगा, और इसका एक एक्सपोर्ट मार्केट भी हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। जी तो आपको बता दें कि फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइज के 64 कैटेगरीज में लगभग 27 ब्रांड्स हैं, और इस नए ब्रांड के तहत कुछ और एरियाज हैं जहां पर कंपनी फोकस करने जा रही है। चलिए फिलहाल एक बार बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी दिन के निचले स्तरों पर है, यानी दिन के सबसे निचले स्तरों पर 8537 के लेवल से फिलहाल निफ्टी है, लेकिन जी बिजनेस ने एक मुहिम चलाई थी पेनी स्टॉक्स को लेकर, और अब इस मुहिम पर मोहर लगती भी दिखी है। पेनी शेयरों में टैक्स चोरी के खिलाफ जी बिजनेस की जो मुहिम है उसका असर देखने को मिला है। सूत्रों की अगर माने तो खबर है कि पेनी शेयर से जुड़ी कंपनियों के प्रमोटर्स और ट्रेडिंग करने वालों ने कमाई घोषित कर दी है, यानी कि जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम थी उसके तहत कई लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने अपनी डिक्लेयर करी है इनकम। इस खबर पर बात करने के लिए तरुण शर्मा मौजूद है। तरुण, कितने कालाधन की घोषणा हुई है, और इनफैक्ट हम क्योंकि पेनी शेयरों वाली कंपनियों की बात कर रहे हैं तो इनफैक्ट क्या आंकड़ा सामने आया और क्या और इन्फॉर्मेशन आपके पास है? बताना चाहूंगा कि जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम है उसमें जी बिजनेस की मुहिम का असर देखने को मिला है, क्योंकि पैनी स्टॉक्स के प्रमोटर्स और पैनी स्टॉक के जरिए जिन्होंने पैसा कमाया था, जो जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की थी, उन्होंने 5000 करोड़ से ज़्यादा का इनकम डिक्लेरेशन इस आईडीएस स्कीम में किया है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि 84 कंपनीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा था, उसमें से करीबन 5000 करोड़ रुपया इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में आया है। और ये जो कंपनीज हैं ये मोस्टली कोलकाता मुंबई और गुजरात बेस्ड कंपनीज हैं जिनमें ये डिक्लेरेशन किया गया है। कई ऐसी कंपनीज हैं जिसपे सेबी ने भी पहले ऑर्डर पास किए हैं, और इसमें जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में भी ये देखने को मिला है कि पैनी स्टॉक्स के जरिए कई लोगों ने अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जरिए यहाँ पे इनकम टैक्स की चोरी करी थी, और अब उन्होंने आईडीएस के तहत ये अब जो इनकम टैक्स है या कहें कि जो अपना टैक्स जो उनकी लायबिलिटी बनती है उसको जाहिर भी किया है। जी तो कालाधन घोषित किया ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। शुक्रिया तरुण बताने के लिए तमाम अपडेट। लेकिन कुछ नतीजों पर भी नजर डालते हैं। आईटी टेक के नतीजे आए हैं, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर टू में लगभग 9% की गिरावट देखने को मिली है कंपनी का जो मुनाफा है। इनफैक्ट अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो वहां पर एक जंप देखने को मिला है, 21 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 28 करोड़ रुपए रहा है। शेयर में थोड़ी गिरावट जरूर आज के दिन में देखने को मिली है। रेवेन्यू फ्रंट में लगभग 5% के % अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। हमारे साथ इस वक्त नंबर्स पर बात करने के लिए मिस्टर अरविंद ठाकुर, सीईओ एंड जॉइंट एमडी एनआईटी टेक मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे जो नंबर्स हैं थोड़ा सबड्यूड लग रहे हैं इस क्वार्टर के हिसाब से, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? नंबर्स मेरे हिसाब से तो काफी रोबस्ट हैं। 3.3% हमारी सीक्वेंशियल ग्रोथ हुई है रेवेन्यूज में, 12.8% एक्चुअली ग्रोथ हुई है हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की एक्सपेंशन हुई है 139 बेसिस पॉइंट्स टू 16.5%। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो इस क्वार्टर में हुई है वो ये है कि हमारी ऑर्डर इनटेक 143 मिलियन डॉलर्स की हुई है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये क्वार्टर हमारे लिए काफ़ी रोबस्ट रहा है। इनफैक्ट सर इस क्वार्टर में वेज हाइक का कोई इम्पैक्ट देखने को मिला है या फिर आपको लगता है कि इट इज ऑलरेडी बीन फैक्टर्ड इन द लास्ट क्वार्टर? जी हाँ, हमने वेज हाइक सारी लास्ट क्वार्टर दी थी और एंड दैट वाज कंप्लीटली फैक्टर्ड इन द लास्ट क्वार्टर इटसेल्फ। सो उसका इस क्वार्टर में कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये जो आपको मार्जिन एक्सपेंशन दिख रही है ये आपको दिख रही है क्योंकि हमने अपने कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स की वजह से SG&A में काफ़ी कंट्रोल किया है और ज़्यादा रेवेन्यू लोअर SG&A के ऊपर डिलीवर किया है। सर इनफैक्ट कोई किस तरह का प्राइसिंग प्रेशर आप देख रहे हैं एज ऑफ नाउ, और यू थिंक देयर विल बी एनी प्रेशर गोइंग फॉरवर्ड इन मे बी इन द कमिंग क्वार्टर्स?
प्राइसिंग प्रेशर का इतना इशू नहीं है जितना चेंज इन रेवेन्यू मिक्स और बिजनेस मिक्स का इम्पैक्ट हो रहा है. तो अगर आप हमारी रेवेन्यूज़ देखें, ज़्यादातर हमारी ग्रोथ इंटरनेशनल ज्योग्राफीज़ में हुई है और वेस्टर्न ज्योग्राफीज़ में तो बहुत ही रोबस्ट रही है. जो डिक्लाइन हुआ है वो डोमेस्टिक मार्केट में हुआ है, क्योंकि हमने अपने गवर्नमेंट बिजनेस में से फोकस हटा के इंटरनेशनल बिजनेस में फोकस करना शुरू कर दिया है. सर, जैसे आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ब्रेग्जिट एक ऐसा मुद्दा है, मोस्टली आईटी कंपनी से स्ट्रगल कर रही हैं. आपको लगता है कि ये अब आने वाले समय में इसका कुछ और इम्पैक्ट दिख सकता है या फिर ऑलरेडी ये फैक्टर्ड इन हो चुका है? ब्रेग्जिट का इम्पैक्ट हमें क्वार्टर वन में देखने को मिला था. जो हमारी यूके में जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो काफ़ी डिक्लाइन हुई थी और उसका इम्पैक्ट अब हमने वो ज़्यादातर बॉटम आउट हो चुका है, क्योंकि इस क्वार्टर हमने थोड़ी रेवेन्यू ग्रोथ देखी है उस बिज़नेस में. और हमारी उम्मीद ये है कि ये इसी लेवल पर साल के एंड तक चलता रहेगा. इनफैक्ट सर, करेंसी पर भी आपका एक आउटलुक चाहेंगे. फिलहाल जो करेंसी सिचुएशन है उसको देखते हुए आपका आउटलुक क्या है? जो जीबीपी है, पाउंड स्टर्लिंग, उसमें काफ़ी डिवेल्यूएशन हुई है. पिछले क्वार्टर भी हुई थी, इस क्वार्टर भी हुई है, और उसकी वॉलीटिलिटी से काफ़ी इंडस्ट्री में और कंपनी में भी कंसर्न है. पर जो हमने हेज पॉलिसी ली हुई है उसकी वजह से काफ़ी उसका इम्पैक्ट हमने मिटिगेट कर लिया है. तो अगर आप हमारी रेवेन्यू ग्रोथ देखें इस क्वार्टर, वो जो हमने डिक्लेयर करी है वो 3.5% है कांस्टेंट करेंसी में, और जो रिपोर्टेड है वो 3.3 है. तो ओवरऑल करेंसी का इम्पैक्ट खाली 0.2% रहा है. जी सर, जैसे आपने बताया कि इस बार ऑर्डर इनटेक काफ़ी अच्छा रहा है, आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी और एनी डील्स आर देयर इन द पाइपलाइन, इफ यू कैन शेयर सम डिटेल्स? इस साल हमारी डील पाइपलाइन काफ़ी अच्छी रही है. अगर आप पिछले दो तीन क्वार्टर को देखें तो हमारी इनटेक ज़्यादातर अराउंड $120 million पर क्वार्टर रही है. पिछले साल ये 80 to 100 million के बीच में रहती थी. तो ओवरऑल इनटेक का जो पोजीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, और जैसे आपने देखा है इस क्वार्टर में $143 million की इनटेक रही है. तो डील पाइपलाइन अच्छी है और अच्छी उसकी वजह से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑर्डर इनटेक अच्छी रहेगी. ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट मिस्टर ठाकुर, कीमती समय देने के लिए और नंबर्स पर बातचीत करने के लिए. फिलहाल अगर शेयर को देखें तो लगभग 5.5% की कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिल रही है. दिन के निचले स्तरों पर एनआईटी टेक फिलहाल ट्रेड करते हुए 416 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है.